लड़ सकता हूँ, ज्यादा से 11 साल लड़ सकता हूँ, 7 दफा जेल काट सकता हूँ और करप्शन नहीं कर सकता। मुझे पेशवा लोगों ने खरीदने की कोशिश की, 2-2 करोड़ रुपए के 3 दफा मेरा वोट बिक्रा था। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, मुझे आज फख्र हो रहा है कि लोग कह के सालक साहब ने बलैक तकरीर की, पंजाबी च की, भले भले यानी कितने खुश हो गए। और बाद में मुझे फोन करने हैं कई दोस्तों ने, शराब साहब ने खासतौर पर फोन करना है, तो बहुत सारे हमारे दूसरे बट साहब हैं, बड़ी मेहरबानी उनकी बट साहब, मैं सबको तंग किया। हमारे मानुल्ला खान साहब बड़े प्यार करने वाले इंसान हैं, हम एलिटी के लिए लड़ते हैं, मुझसे भी कई दफ़ा कहते हैं कि मेरे साथ हम आपके साथ हैं, ये छोटी बात नहीं है। तो अभी हम चाहते हैं कि अब हम ओथ सेरेमनी कर लें, उससे पहले कि हम एक गीत जो है वो कौमी दुआ के तौर पर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कौमी दुआ नहीं हुई, कौमी दुआ को शुरू करके हम वो सेरेमनी कर लें, फिर उसके बाद जो है ताकि कुछ जानने वाले दोस्त जो है। अच्छा, वो सेरेमनी के बारे में मैं अभी आपको वजाहत करता हूँ। हमारे मेंबर जो बन चुके हैं, मेरे पास बहुत सारी ईमेल आ गई, मैं डिसाइड हम सीधे तौर पर कर चुके हैं, उसका मैं आपको फैसला जो है बाद में सुनाऊंगा। लेकिन कौमी प्रेयर जो है वो जरूरी है और कौमी प्रेयर हमारा इंटरनेशनल तराना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बरतानिया की उस बच्ची की जो आकाश में है, और वो आए और आके सारे खड़े होकर कौमी तराना, जैसे हमारा पाकिस्तान जमीन शाहबाद है, इसी तरह हमने इस कौमी को कौमी तराने को इंटरनेशनल ताकि यदि उसके इतराम में खड़े होके हम उससे वो गाना, यदि गीत नहीं है वो कौमी नेशनल इंटरनेशनल प्रेयर है, तो प्रेयर में शामिल हो। और उसके बाद जो अलशारी साहब जो है काम है, यदि मुश्ताक अलशारी साहब वो अपने स्टेज पर, जहाँ तक वजाहतों की बात है, लगभग मैं यानी अपने लहजे में अपनी जुबान में, मैंने अपनी जिंदगी में 18 घंटे भी स्पीच की है, जहाँ तक अल्लाह के नॉलेज नहीं, ये तो नॉलेज जो है या राह पे जानी है या वहाँ पे जानी है। अब ये है कि डिग्री नहीं है तो वो बुल्ले शाह के पास भी नहीं थी, वो मेरा घर, यदि बहुत सारे उनके पास अगर डिग्रियों की बात करेंगे तो ईदी के ईदी बहुत बड़ी डिग्री है, 8,000 जितनी बच्चे पाल रहा है और 6,000 एम्बुलेंस है, डिग्री वही है जो, यानी डिग्री वही है जो एजुकेशन, और एजुकेशन कौन सी है कि जिसमें ह्यूमैनिटी हो, इंसानियत हो, जिसमें यदि वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इन डिग्रियों से रोशनी अगर होती तो ये जो बम बरे हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अब जो बम यदि बरसे हैं ये डिग्रियों वालों ने बरसाए हैं। इसलिए डिग्रियों का कभी मेरा ना मनु देना, तो कभी इंग्लिश का मनु दाना ना देना, क्योंकि जबान में मैं अपने में प्राउड हूँ और इसी में मैंने कल्चर में तरक्की करनी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन में मैं 5 जबानें इस वक्त इंटरनेशनल, मैं 6ठी जुबान अगर मैं यूनाइटेड नेशन में उर्दू ना करवाया तो इंशाल्लाह फिर मुझे आपको भी लंदन में ला देते थे। और दुनिया में अभी तक माइनॉरिटी का दिन नहीं मनाया जा रहा, माँ का दिन मनाया जा रहा, पानी का दिन मनाया जाता है, पता नहीं खिसकने का दिन मनाया, बहुत बहुत सारे दिन मनाए जा रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी डे नहीं मनाया। यदि मदर डे मनाया जाता है जो माँ बच्चों को गोद में पालती है उसका डे मनाया जा रहा है, लेकिन जिस माइनॉरिटी को, तो बहुत सारे मरे रहते हैं माइनॉरिटी मेजॉरिटी, तो मैं सबसे पहले रियाज साहब की बहुत सारी ही, शायद दोस्तों को अच्छी बातें लगती हो नहीं लगती हो मेरे बारे में अच्छी, लेकिन रियाज साहब ने जिस अंदाज से मुझे यहाँ पर मोहब्बत प्यार में आपने सरपरस्ती दी है, इंशाल्लाह मैं रियाज साहब से यकीन कहता हूँ। राणा साहब हमारे बैठे हैं, हमारे बहन अपना लशारी साहब बैठे हैं, लशारी साहब का नाम ना लूँ तो बहुत सारे नाम ना, किस किस का नाम, तो अपना मैं समझता हूँ कि यदि हमारे पैटर्न सरदारों में से हमारे पैटर्न बैठे हुए हैं तो सबका नाम लेना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन मैं जिसका नाम ना भी लूँ मेरे दिल में रिस्पेक्ट, मेरी 62 साल उम्र है, कितनी है, और 33 साल में एक दिन बुखार नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहता रहता, शुगर नहीं, टेंशन नहीं, और प्राउड हुए कि जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूटपाट नहीं, असला लहसा नहीं, शराब परवन नहीं। ये कल लाइव चलेगा, ये कल लाइव चलेगा जो कुछ मैं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की गलियों में बाजारों में अपना डीएम वालों ने कल 7 बजे प्राय रास्ते मुरादे के रिकॉर्ड किया हुआ लाइव चलेगा जो कुछ इस वक्त बोला जा रहा है, तो वो लाइव 2 घंटे का प्रोग्राम का आप ये देख सकते हैं।
इसलिए मैं समझता हूं कि कोई गलती कोताही हो, सिर्फ एक बात कह दूं, वर्ल्ड माइनॉरिटी अलायंस यूनाइटेड नेशन में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओआईसी में अगर रशिया को मेंबरशिप मिल सकती है, यानी अगर ओआईसी यानी उम्मा मुस्लिम उम्मा की उस एसोसिएशन में रशिया को रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है, तो यूनाइटेड नेशन की पार्लियामेंट में जहां बहुत सारे मामला यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट के चार्टर पर जो सिग्नेचर हुए हैं उसमें क्या यानी हजाब का इशू नहीं है? क्या वहां पर डेनमार्क का इशू नहीं है? क्या उसमें नॉर्वे का इशू नहीं है? क्या उसमें यानी मनारों का इशू नहीं है? क्या उसमें अकलियतों की निश्चित का इशू नहीं है? यदि ये जो कल जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक बनते हैं, माइनॉरिटी की जो इस वक्त निश्चित असेंबली में वो सिलेक्टेड है, तो किस बात की डेमोक्रेसी है? 70 निश्चितें बगैर बैलेट पेपर के हैं। मैं तमाम डेमोक्रेटिक लोगों से कहता हूं, हमारी निश्चितें जो है उन्हें खाली यानी इस तरह घास पर ना कब्जा करने की इजाजत नहीं हम देंगे। हम अपने तमाम मुसलमान भाइयों से, अपने तमाम सिख भाइयों से, हम तमाम अपने हिंदू भाइयों से, अपने तमाम पर सबसे गुजारिश करेंगे कि अपने अपने हकूक की आवाज बुलंद करें और पूरी दुनिया के लिए इकट्ठे हो जाओ और अपने हक की आवाज बुलंद करें। तो मैं इसके साथ ही यदि मैं क्योंकि बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे दिल में बहुत सारे जज्बात हैं, तो यदि अगर आप किसी को जज्बात का फिर मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं नाम सबके लिख लिए और नेक्स्ट टाइम मैं अभी अमेरिका में ओथ सेरेमनी करनी है, लेकिन अभी जो ओथ सेरेमनी होगी हमारे कोऑर्डिनेटर जो कोऑर्डिनेट करेंगे, हमारे वेल विशर्स जो हमारे साथ तामन करना चाहते हैं हमारे लिए प्रेयर की शक्ल में, हमारे लिए यदि अपना यदि किसी तरीके से पीछे रहकर बैक रहकर हमारी मदद करना चाहते हैं वो और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 700 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम बनाएंगे। इसमें मैंने बड़ा गौर किया है, बड़े पीएचडीओ से मिला हूँ, बड़े फिलोसफरों से मिला हूँ, बड़े थीसिस लिखने वालों से मिला हूँ, बड़े दानिशवारों से मिला हूँ, लेकिन बात वही है, एक कहता रंग पैर की जुती दूजा कहता फलका तू शिके की बनी है के दी ना बनी है सुन सुनो के चले। मुझे नहीं समझ आई, लेकिन मैं जो समझता हूँ, मैंने मौजूदों का फलसफा भी पढ़ा, लैलन का फलसफा भी पढ़ा, सबने अपने 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 फलसफे में जिन लोगों ने अपने फलसफे में काम किया वही कामयाबी हुई है। कायदे आजम साहब ने अपने फलसफे में काम किया, गांधी साहब ने अपने फलसफे में काम किया, दुनिया के जो लीडर हैं उन्होंने अपने फलसफों में काम किया। इंशाल्लाह अभी देखेंगे कि दुआ से पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब से कि वो नामुमकिन कोई चीज है, अगर है तो ओबामा की जरा मेहरबानी करके गुजारिश है कि ओबामा की अंकल और ओबामा अगर यदि अकलियत काले जिसे कहते थे अगर वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है और गरीब आप देखेंगे कि उसके जूती अंकल के पास नहीं थी, तो इसलिए सब काम हो सकते हैं। मैं सिर्फ कहता हूं कि मुझसे कोई गलती हो जाए, मेरे पास नॉलेज अगर नहीं है जितनी भी है मैं उसे यूज कर रहा हूं और मैं कहता हूं कि मैं उसे प्रैक्टिकल यूज करूंगा। खुदावंद ने चाहा तो कामयाबी उन लोगों के कदम चूमती है जो ऑनेस्टी से ईमानदारी से और लगन से काम करते हैं। उसमें मेरे साथी जो होंगे वो इंशाल्लाह हम इस दफा नेक्स्ट टाइम हम इससे बेहतर, ये भी बड़ी बात है, आप शायद सोच भी नहीं सकते, मैं सुबह 6 बजे उठता था, कहाँ जाता था, कभी ट्यूब का पता नहीं, कभी ट्यूब से पीछे का नहीं पता, कभी बस भूल गया, कभी सुबह 4 बजे आया, फिर भी मैं समझता हूँ कि फिर भी हम यदि इंटरनेशनल समझते हैं कि ये इंटरनेशनल इवेंट इंटरनेशनल आवाज़ है बरतानिया में, मैं समझता हूँ इस किस्म की आवाज़ मेरे लिए एक रूहानी खुराक है। आपका आना मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है, वरना शायद मैं वही उन्हीं वो गलियों में घूमता घुंघरू की तरह बचता ही रहा, कभी उस पग में कभी गैरों में कभी अपनों में घुंघरू की तरह बचता ही रहा, कभी उस पार्टी में चले गए कभी उसमें हैली घुंघरू की तरह और तालियां मारता रहा। लेकिन आज मैं आपको बता दूं बेशक हमारी चोरी क्या है, चोरी जब मैं बोलूंगा यूनाइटेड नेशन में और ट्रांसलेशन साथ हुआ करेगी।